नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक बहाली यानी TRE 3 रिजल्ट का इंतजार छात्र काफी लंबे समय से कर रहे हैं और आपको बता दें कि बहुत देरी हो रहा है इसके रिजल्ट देने में। अगर हम TRE 1 TRE 2 से अगर कंपेरिजन करें तो बहुत ज्यादा समय लग गया। TRE 1 TRE 2 में लगभग 15 दिनों के अंदर में फाइनल रिजल्ट देने की प्रक्रिया आयोग के द्वारा शुरू कर दी गई थी। आपको बता दें कि कल शाम से मीडिया में आ रहा है कि 8 अक्टूबर यानी कल तक जो है वो सारे रोस्टर शिक्षा विभाग को मिल जाएंगे और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया जाएगा और 10 से 15 दिनों के अंदर में यानी कि 20 से 25 अक्टूबर के समय TRE 3 के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो रोस्टर क्लियर हुआ है ये TRE 3 के लिए नहीं हुआ है। आपको बताएं कि 40,000 के आसपास जो है प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के लिए 40,000 से अधिक पदों पर BPSC के द्वारा TRE 3 से पहले एग्जाम लिया गया और आपको बता दें कि ये परीक्षाएं जो हैं वो नए आरक्षण रोस्टर के हिसाब से लिया गया और अब पुराने रोस्टर के हिसाब से रिजल्ट देना है, क्योंकि आपको बता दें कि नए आरक्षण व्यवस्था को कोर्ट ने रद्द कर दिया और अब जो रोस्टर क्लियरेंस होकर कल परसों में मिलने वाला है वो प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का रोस्टर क्लियरेंस होकर BPSC को हो सकता है कि इस सप्ताह मिल जाए। TRE 3 का भी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। आपको बताएं हम कि TRE 3 को लेकर बता दें कि 10 से कम जिलों में ही अभी तक रोस्टर क्लियरेंस हो पाया है और नॉर्थ बिहार के जो भी जिले हैं, चाहे वो सीमांचल हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल हो या तिरहुत का इलाका हो, बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे ब्लॉक अनुमंडल बाढ़ की जद में हैं और वहां पर ये सारे काम बंद हैं। दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और ऐसे में अधिकारियों की तैनाती जो है मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाओं में की जा रही है और रोस्टर क्लियरेंस जो है वो अब दुर्गा पूजा के दौरान काम भी नहीं हो पाएगा, ये अस्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें जो जानकारियां मिल रही हैं कि देखिए, दुर्गा पूजा से दीपावली के बीच में अगर रोस्टर क्लियर होकर मिलता है, जिसकी संभावना कम लग रही है, तो रिजल्ट जो है वो छठ के बाद 15 नवंबर तक आ सकता है। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि जो हमें सूचना मिल रही है उसके मुताबिक रोस्टर क्लियर होकर BPSC तक पहुँचते पहुँचते छठ के बाद हो जाएगा, यानी कि जो हमें सूचना मिल रही है कि 10 नवंबर के बाद ही संभावना है कि BPSC को रोस्टर क्लियर होकर मिले, ऐसी सूचना मिल रही है हमें। क्योंकि बहुत सारे जिलों में भले ही शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र लिखा जाए लेकिन जिलों में जो है स्थितियां विपरीत है और जैसा कार्य प्रणाली रहा है पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हम रोस्टर क्लियर करके देंगे, लेकिन उसमें कोई तेजी नहीं है। प्रधान शिक्षक का ही आप देख लीजिए रोस्टर क्लियर करना, जबकि TRE से बहुत कम सीट है इसमें, उसे ही क्लियर करने में लगभग 3 महीने के आसपास समय लग रहा है। और अभी बताएं आपको हम कि लगभग 25 से अधिक जिलों का रोस्टर क्लियर होकर आना बाकी है, उसका शिक्षा विभाग में जांच किया जाएगा, फिर उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में भेजा जाएगा, वहां भी उसका जांच होगा और तब अंत में उसे BPSC के पास भेजा जाएगा और उसके बाद BPSC कम से कम 12 से 14 दिन का समय लेगी। तो ऐसे में रिजल्ट आने की संभावना जो है वो नवंबर में भी कम दिखती है, रिजल्ट दिसंबर में ही संभावना बन रहा है। लगातार आपको हम ये खबर दे रहे हैं कि रिजल्ट TRE 3 को लेकर BPSC बस इंतजार में है कि कब उन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर 87,000 पदों पर बहाली के लिए वो पत्र आए, जिसके बाद वो अपना आगे का प्रोसेस शुरू करें। लेकिन शिक्षा विभाग की कछुआ चाल जो है वो प्रभावित कर रही है रिजल्ट को और 2.5 महीने से प्रयास के बाद 9 जिलों में ही अभी तक रोस्टर क्लियर हो पाया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें देरी कितना और होगा। और आपको बता दें कि कल शाम से जो खबरें चल रही हैं कि 8 तारीख को रोस्टर क्लियर होगा मिल जाएगा, तो ये प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का रोस्टर है जो कि काफी कम सीटों के लिए है TRE 3 की तुलना में,
और उनका क्लियर होकर जो है इस हफ्ते चांस है कि बीपीएससी को मिल जाएगा। और मिलने के लगभग 10-15 दिनों के अंदर में आयोग के द्वारा जो है प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन TRE3 को लेकर बता दें आपको हम कि देरी अभी सुनिश्चित है, देरी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और हमारे जो सोर्स कह रहे हैं कि छठ के बाद ही रोस्टर क्लियर होकर बीपीएससी को मिलने की संभावना है। अब छठ के बाद कब मिलता है ये आगे हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन अक्टूबर और कहें तो क्लियर कट कहें तो नवंबर तक रिजल्ट आने की संभावनाएं नहीं बन रही है। अगर दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में जो 15 दिन के आसपास जो काम करने का समय मिलता है उस दौरान अगर शिक्षा विभाग जो है अगर ऊपर से आदेश मिलता है सरकार के द्वारा कि मिशन मोड में इसे पूरा किया जाए, तभी संभावना है कि दीपावली से पहले ये रोस्टर क्लियर होकर मिल जाए। नहीं तो दिवाली तक अगर नहीं मिलता है तो ये मान के चलिए कि नवंबर में 15 के बाद ही संभावना है कि बीपीएससी को रोस्टर क्लियरेंस मिल सके और दिसंबर से पहले रिजल्ट आने की संभावना बन नहीं रही है। संभावना आपको बता दें हम दिसंबर में ही इस रिजल्ट को लेकर हो रहा है, जबकि खबरें आपको याद होगा कि 14 अगस्त को आ रहा है, 30 अगस्त को आ रहा है, तो सितंबर में जो है वो 26 को आ रहा है, 27 को आ रहा है, और देखते देखते अक्टूबर आ गया, रिजल्ट ले देकर उसी स्थिति में है जब एग्जाम हुआ था उसके बाद जो स्थिति में थी। तो बताएं आपको कि जो भी खबरें चल रही हैं कि अक्टूबर में रिजल्ट जारी हो जाएगा, अक्टूबर में तो कोई संभावना ही नहीं है रिजल्ट जारी होने का, नवंबर में हो जाए तो भी हम तेजी में कहेंगे कि काम हुआ है, नहीं तो दिसंबर में ही इसकी संभावनाएं आज के डेट में बन रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।